फैटी लिवर है वो योग के साथ अपनी दिनचर्या में और क्या शामिल कर सकते हैं? कपालभाति सब कर सकते हैं, तो कपालभाति से ही ये पेट, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लॉन्ग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गेन्स अच्छे हो जाते हैं। फिर क्या करें, सुबह उठ कर के दिनचर्या में सबसे पहले पानी पिए। जिनको कब्ज है तांबे के लोटे का पानी, जिनको एसिडिटी है चांदी का पानी। मेरी भी पित्त प्रकृति होने से कभी कभी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं एसिडिटी बढ़ तो नहीं गई। मैंने जब से, वैसे मैं कोई सोना चांदी हीरे मोतियों का प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन औषधीय गुण की वजह से मैं चांदी का, मेरे को कोई एक दान में दे गया जग, उसमें रख के पानी पिया तो मक्खन जैसा तो स्वाद आता है उसमें, और उससे एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है। एक बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, अनुभव बता रहा हूँ। तो जिनको एसिडिटी हो जाती है, चांदी का लोटे में रख करके पानी पिए, नहीं तो चांदी का सिक्का ही डाल लें घड़े के अंदर, उससे भी वो लाभ मिल जाता है। फिर आंवला, एलोवेरा, वीट ग्रास, लौकी, ये तो एसिडिटी को दूर करता है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, ये सुबह सुबह पी लिया करें पानी में। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, फैटी लीवर है, 2 से 4 चम्मच ये गोधन अर्क, ये अपने आप में बहुत बड़ी औषधीय गोधन अर्क। और स्वामी जी आजकल कॉपर की बॉटल्स का बहुत चलन हो गया है, लेकिन अब आपने आज चांदी के फायदे बताए। हाँ, कॉपर वाला जिनको कफ रोग है, जिनको वात रोग है, उनके लिए अच्छा है। पित्त वालों के लिए त्रिदोष के अनुसार पानी है, बाकी घड़े का पानी सब पी सकते हैं। और जिनको कफ कोल्ड है, ओबीसीटी, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। और खाने के बाद ये पुनर्नवारिष्ट और कुमारिया सब, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें तो हम बहुत कुछ। और सुबह खाली पेट उनको एप्पल, अनार या पपीता, खाली पेट ये पपीता खा लो सुबह सुबह। थोड़ा सा जिनको गैस ज़्यादा बनता है तो थोड़ा इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च मिला करके खा ले। ये छोटी छोटी बातें, सुबह खाली पेट खाया हुआ पपीता, खाली पेट खाया हुआ सेब, सेब भी गर्म पानी से अच्छे से धो करके, आजकल उसके ऊपर ना वो वैक्स लगा देते हैं जी, तो उसको धो ले अच्छे से। तो सेब, पपीता और अनार खाली पेट खा लो साहब, पेट इतना ज़बरदस्त हो जाता है। और जिनको पित्त प्रकृति हो, तो मैंने मस्तिष्क के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी बताया, बादाम, अखरोट रात को भिगो के सुबह खा, पीस करके पानी में पी लो स्वामी जी। दूध सबको डाइजेस्ट नहीं होता, सेब छील के खाना चाहिए कहते हैं, अब छिलका नहीं खाना चाहिए उसका? छिलका मैं कह रहा था, छिलके सहित खाना चाहिए, लेकिन छिलके के ऊपर अर्चना जी वैक्स मोम लगा देते हैं आजकल उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, तो उसको अच्छे से गर्म पानी से धो के पूछ करके फिर खाना चाहिए। मैं तो छिलके के साथ ही खाता हूँ, और मुझे तो बचपन से कब्ज था, बचपन से, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ था, जैसे वो बकरी के मेंगन निकलते हैं या ऊँट के जो है ना वो गोल गोल ऐसे गुलाब जामुन से निकलते, ये हालात मेरी थी। तो मैंने जो है ये सुबह पपीता खा करके, अनार खा करके, खाली पेट सेब खा करके और शंख प्रक्षालन और ये कपाल भाती करके ही आज, अब मैं देखता हूँ पिछले मुड़ करके, जो बचपन से मुझे कब्ज थी, पिछले 25-30 साल से मुझे ये नहीं, आज स्वामी जी सारी बीमारियां खुद ही दूर भागती हैं, इनका हम ध्यान रखें जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका ये दिया हुआ भरोसा लोगों के बहुत काम का है स्वामी जी। अर्चना जी,